to the window and I looked in the window and I saw a table with... Right. Well, that doesn't make me feel better. And when was this? It's like in 1908, 1903. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक अलग तरह की मूवी जो कि साइंस फिक्शन दुनिया में एक वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। ये मूवी इसलिए इतनी खास हो जाती है क्योंकि इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। शूटिंग के दौरान एक्टर्स को इस मूवी का बैकग्राउंड दिया जाता था, इसीलिए इस मूवी में सबकी एक्टिंग काफ़ी रियल लगती है। दोस्तों इस कहानी को समझने के लिए आपको मल्टीपल रियलिटी और पैरेलल यूनिवर्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन को। कहानी है आठ दोस्तों की जो कि एक डिनर पार्टी के दौरान काफ़ी समय बाद मिलते हैं और उसी समय एक धूमकेतु पृथ्वी के पास से गुजरता है। इसका इस मूवी से क्या कनेक्शन है ये हमें आगे पता चलेगा। मूवी की शुरुआत लीडिंग कैरेक्टर एमिली बल्डनी से होती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड केविन से फ़ोन पे बात कर रही होती है और तभी उसका नेटवर्क चला जाता है और वो जब अपना फ़ोन देखती है तो उसका फ़ोन क्रैक होता है। दरअसल केविन अपने एक बिजनेस ट्रिप के दौरान वियतनाम जा रहा होता है और वो एमिली को भी बोलता है साथ चलने को, पर एमिली मना कर देती है। इसीलिए इनके रिश्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। आगे एमिली अपने फ्रेंड माइक ली और बेथ से मिलती है। ये घर माइक और ली का होता है और उन्होंने बाकी छह दोस्तों को डिनर पार्टी के लिए इनवाइट किया है। एमिली अपना फोन सभी को दिखाती है और बोलती है कि ये फोन शायद उस धूमकेतु की वजह से क्रैक हुआ है और उसी समय उस धूमकेतु से रेडिएशन प्रोड्यूस होता है और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फेल होने लगते हैं। एमिली के अपने दोस्तों से बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि उसका एक दोस्त आमिर अपने साथ लॉरी नाम की एक लड़की को भी डिनर पार्टी में ला रहा है, जिसकी वजह से एमिली थोड़ा सा नाराज हो जाती है क्योंकि लॉरी वही लड़की है जिसने पास्ट में केविन को डेट किया था। तभी बेथ अपना फ्रैंकलाइजर ऑफर करती है और बोलती है इससे तुम्हें रिलैक्स फील होगा और वो बोतल वहीं किचन में वो रख देती है और पास ही में रखा एक प्लांट शोकेस उठा करके वो ली से पूछती है कि ये तुमने कहाँ से खरीदा। तभी वहाँ पे केविन और ह्यूग आते हैं, ह्यूग बेथ का पति है। तभी वहाँ पे आमिर और लॉरी भी आ जाते हैं। लॉरी को देख करके आमिर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अब वो सारे लोग डिनर टेबल पर एक साथ होते हैं और उनमें बातचीत होती है। बातचीत के दौरान वो सभी लोग अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं, किसी के भी मोबाइल फ़ोन पे नेटवर्क नहीं होता है और इसका कारण एमिली उस धूमकेतु को बताती है और एमिली एक कहानी बताने लगती है और वो बताती है कि फिनलैंड में भी ऐसा ही एक हादसा कई सालों पहले हुआ था जहाँ पर एक धूमकेतु पृथ्वी से पास हो रहा था और उसके पास होने के दौरान उस टाउन के लोगों का ये कहना था कि उनके साथ अजीब घटनाएं हो रही हैं और एक औरत ने तो पुलिस केस तक कर दिया था। उसका ये मानना था कि उसके घर में जो आदमी है वो उसका पति नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस औरत ने पुलिस वालों को बताया कि अपने पति को उसने रिसेंटली ही मार डाला है, तो वो उसका पति कैसे हो सकता है। पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती है क्योंकि उनको यही लगता है कि यही आदमी उसका पति है। और ये सब कहानी खत्म होने के बाद डिनर टेबल पे बातचीत के दौरान सभी नोटिस करते हैं कि आमिर और लॉरी का बिहेवियर काफ़ी स्ट्रेंज होता है क्योंकि आमिर को ये याद ही नहीं कि बेथ की कोई बहन भी है। तभी माइक लॉरी से उसके जॉब के बारे में पूछने लगता है। लॉरी बताती है कि वो रिसेंटली ही एक आउटरीच प्रोग्राम में काम कर रही है। ये बात उसे बहुत अजीब लगती है क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं कि लॉरी एक स्पेनिश योगा की टीचर थी। इस बात को लेकर के उन सभी में बहस हो जाती है। तभी लॉरी माइक से पूछती है कि तुम क्या काम करते हो। माइक बताता है कि वो एक फेमस सीरियल में लीड एक्टर के तौर पर काम करता है। वो लॉरी का फेवरेट सीरियल था पर उसे ये याद ही नहीं कि उस सीरियल में माइक लीड एक्टर के तौर पर काम करता है। ये सुनकर के सभी लोग चौंक जाते हैं कि लॉरी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, इसका ये अजीब बिहेवियर क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। इसी दौरान ह्यूग अपना मोबाइल फ़ोन सभी को दिखाता है और बताता है कि मेरा मोबाइल भी क्रैक हो चुका है और इसमें भी नेटवर्क नहीं है और मुझे अपने भाई के पास कॉल लगानी है क्योंकि उसने कहा था कि अगर धूमकेतु से कोई भी नुकसान होता है तो मुझे ज़रूर बताए, पर रिसेंटली किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता है इसलिए वो किसी को भी आगाह नहीं कर सकते हैं। तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है, सभी कैंडल जलाते हैं, उसके बाद डिनर करते हैं। माइक तभी वहाँ पे ग्लो स्टिक के तीन बॉक्सेस ले आता है, ब्लू, रेड और ग्रीन। वो लोग ब्लू स्टिक का बॉक्स निकालते हैं और उसमें से ब्लू स्टिक निकाल करके ऑन कर लेते हैं। इसी दौरान माइक घर के बाहर जाता है और घर के बाहर जा करके वो देखता है कि बाहर बहुत ही घना अंधेरा होता है। ऐसा घना अंधेरा उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। वहाँ पे किसी के भी घर में लाइट नहीं होती है, खाली एक घर छोड़ करके। उस घर में भी इनके घर की तरह काफ़ी अच्छी रोशनी होती है। माइक घर में वापस आता है और सबको ये बात बताता है और वो सभी भी बाहर जाते हैं ये सब कुछ देखने के लिए, वो ब्लू स्टिक अपने हाथ में लेकर के।
और वो लोग जब बाहर से वापस अपने घर में आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उनके घर में जो ग्लास होते हैं वो सभी टूटे होते हैं। ये ग्लास उस धूमकेतु के वजह से टूटा था। इसी दौरान ह्यूक तय करता है कि मैं वो लाइट वाले घर के अंदर जाऊंगा और वहां पे फोन या इंटरनेट के मदद से अपने भाई को कॉल करके मदद मांगूंगा। ये सुनने के बाद आमिर इस काम के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों वहां से जाने के लिए निकलते हैं। ह्यूक के जाने के बाद माइक अपने घर का जनरेटर ऑन करता है और उनके घर की भी लाइट आ जाती है। थोड़ी देर बाद ह्यूक और आमिर घर में वापस आते हैं। तभी बेथ नोटिस करती है कि ह्यूक के सर पे एक चोट लगी है और उसके सिर से खून निकल रहा है और आमिर के हाथ में एक बॉक्स होते है। आमिर बताता है कि ह्यूक उस घर में झांक करके देख रहा था और वहां पर उसने कुछ ऐसा देखा है जो वो सभी को बताना तो चाहता है पर बता नहीं पा रहा है। तभी आमिर और वो सारे लोग उस बॉक्स को ओपन करते हैं। उस बॉक्स में इन्हीं लोगों के फोटोज होते हैं जिसपे नंबर मार्क किया होता है। ये सब कुछ देख करके वो सभी लोग डर जाते हैं और वो लोग ह्यूक से पूछते हैं कि तुमने वहां पर क्या देखा है। बहुत कोशिश के बाद ह्यूक बताता है कि मैं जब उस घर में झांक के देख रहा था तब मुझे वहां पर हमारे ही डुप्लीकेट्स दिखाई दिए और वहां पर भी 8 लोग हैं जो हमारी ही तरह डिनर पार्टी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ह्यूक का विश्वास कोई भी नहीं करता है पर ह्यूक इस बात को इग्नोर कर देता है और ह्यूक ये तय करता है कि वो एक चिट्ठी लिखेगा और वो उस घर में जाकर देगा और बताएगा कि मुझे बस आपके घर का फोन यूज करना है और वो चिट्ठी लिखना शुरू करता है। तभी लॉरी को घर के दरवाजे पर किसी की आहट महसूस होती है। केविन धीरे से दरवाजा खोलता है और वहाँ पे उसे सेम नोट मिलता है जो कि ह्यूक लिख रहा था। उसपे सेम वर्ड्स होते हैं। उस चिट्ठी में भी यही लिखा होता है कि हमें आपके घर का फोन यूज करना है। दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस ग्रुप का एक और वर्जन क्रिएट हुआ है जो कि सेम समय में चल रहा है और उनके साथ भी सेम घटना घट रही है। और उनका ये दूसरा वर्जन समय में थोड़ा सा आगे है क्योंकि ह्यूक जो लेटर लिख रहा था वो लेटर अभी भी उसके हाथ में था और दूसरे वर्जन का ह्यूक वो लेटर लिख करके इनके दरवाजे पे छोड़ के गया था क्योंकि उनके साथ सेम घटना घट रही है और उसे भी इनके घर का फोन यूज करना था। और अब कहानी आगे और भी अजीब मोड़ ले लेती और अब सारे लोग जानना चाहते हैं कि उनके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो लोग पता करने के लिए बाहर जाने का तय करते हैं और उसके लिए केविन, एमिली, माइक और लॉरी ये 4 लोग बाहर जाने का तय करते हैं। वो लोग अपनी ब्लू स्टिक उठाते हैं और वो लेकर के वो घर से बाहर निकलते हैं उस दूसरे घर में जाने के लिए। बाहर आने के बाद वो लोग देखते हैं कि बाहर कोई भी नहीं होता। उन्हें कोई भी दूसरा घर दिखाई नहीं देता, ना ही कोई लोग दिखाई देते हैं। और आगे जाने पर एक जगह पर उन्हें एक गहरा डार्क जोन दिखाई देता है जिससे गुजरने के बाद आगे जाने पर उन्हें वो घर दिखाई देता है जिसमें की लाइट जल रही होती है। केविन उस घर में देखने की कोशिश करता है और वहां से कुछ लोगों की आवाजें आ रही होती हैं। अभी उन चारों को किसी के आने की आहट सुनाई देती है। जब वो लोग पीछे मुड़ करके देखते हैं तो वहां पर उन्हीं के जैसे 4 लोग खड़े होते हैं पर उनके हाथ में रेड ग्लू स्टिक होती है। इसे देखने के बाद वो सभी लोग भाग करके अपने घर में वापस आ जाते हैं और वहां पर आने के बाद वो सारे लोग अपनी बातें सबको बताते हैं। चारों की बातें सुनने के बाद ह्यूक और आमिर भी बताते हैं कि हम भी ऐसे ही डार्क जोन से गुजरे थे। अब एमिली उस डार्क जोन के बारे में और भी जानना चाहती है और वो ह्यूक से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई बुक है। ह्यूक अपने गाड़ी से एक बुक निकाल के लाता है जो उसके भाई की होती है जो कि साइंस में बहुत माहिर होता है। वो बुक टाइम और अल्टरनेट रियलिटी के बारे में होता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि धूमकेतु के रेडिएशन प्रोड्यूस करने की वजह से वो डार्क जोन बना है जिसकी वजह से कई सारे रियलिटीज का जन्म हुआ है और उनके एक से ज्यादा वर्जन क्रिएट हुए हैं जिसे हम पैरेलल यूनिवर्स भी कहते हैं। अभी तक इन्हें एक ही घर मिला है जो इनकी रियलिटी से मेल खाता है। ये जरूरी नहीं है क्योंकि एक से ज्यादा रियलिटीज हो सकते हैं। वो सारे रियलिटी सेम नहीं होंगे, उनके रियलिटी में कुछ कुछ डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि वो डार्क जोन एक टाइम पोर्टल की तरह काम कर रहा है, यानी कोई भी उस डार्क जोन से गुजरेगा तो वो एक रियलिटी से दूसरे रियलिटी में प्रवेश कर जाएगा। इसका मतलब उस धूमकेतु के पृथ्वी से पास होने के बाद ये डार्क जोन बंद हो जाएगा और जो जिस रियलिटी में है वो उसी रियलिटी में रह जाएगा। वो कभी भी अपने खुद के रियलिटी में नहीं जा सकता है। दोस्तों यही कारण था कि आमिर और लॉरी काफी अजीब बिहेव कर रहे थे क्योंकि आमिर और लॉरी जब इस डिनर पार्टी के लिए घर में आए तब वो अनजाने में उस डार्क जोन से गुजरे होंगे और जाने में वो किसी और रियलिटी में प्रवेश कर गए। यही कारण है कि लॉरी को ये याद नहीं कि माइक एक लीड एक्टर के तौर पे काम करता है क्योंकि जिस रियलिटी से लॉरी बिलोंग करती है वहाँ पर माइक एक लीड एक्टर ना हो और यही वजह होती है कि माइक को भी ये याद नहीं होता है कि बेथ की कोई बहन भी है। अब सभी के घर में वापस आने के बाद माइक बताता है कि जब वो लोग ब्लू स्टिक लेकर के उस घर के पास गए तब वहाँ पे उन्हें आमिर, ह्यूक और ली दिखाई दिए पर ली इस रियलिटी में सो रही थी क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वक्त चल रहा है
जिसका ये लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ह्यूक की वो बुक जो उसके भाई ने कार में रखी थी शायद उस दूसरे रियलिटी के ह्यूक को ना मिली हो क्योंकि वो बुक कार में थी। इसीलिए ये लोग तय करते हैं कि उस डार्क जोन के बाद जो इनका दूसरा वर्जन है उसके घर के बाहर जो ह्यूक की कार खड़ी है वहाँ जाएंगे और उस किताब को वो लोग चुरा लेंगे ताकि वो किताब दूसरे ह्यूक के हाथ ना लगे। यहाँ पे सभी सोचते हैं कि हम लोग वो बुक कैसे लेकर आएंगे। तभी माइक केविन से प्राइवेटली कुछ बातें बताता है। माइक केविन से बोलता है कि मैं उस दूसरे वर्जन के घर में जाऊंगा और मैं ह्यूक को ब्लैकमेल करूंगा वो उस किताब को पाने के लिए, क्योंकि आज से 12 साल पहले माइक और बेथ का फिजिकल रिलेशन हुआ था जिसके बारे में ह्यूक को नहीं पता है। इसके जरिए वो ह्यूक को ब्लैकमेल करके वो किताब ले लेगा। केविन इस काम के लिए माइक को मना करता है पर माइक उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। अब इसके आगे कहानी और भी उलझ जाती है क्योंकि आमिर और ह्यूक को पता चल जाता है कि वो लोग गलत घर में आ गए हैं क्योंकि अपनी ही तलाशी लेने के दौरान उन्हें अपने पास से रेड ग्लू स्टिक मिलती है पर इस ग्रुप ने ब्लू ग्लू स्टिक का बॉक्स ओपन किया था जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग गलत घर में हैं। और अब इन दोनों को समझ में आता है कि जब ये लोग बाहर गए तब वो लोग भी उस डार्क जोन से गुजरे थे जिसके बाद वो लोग घर में वापस आए और अब उन्हें समझ में आ जाता है कि ये गलत घर है। उसके बाद आमिर और ह्यूग उस फोटोज के बॉक्स और उस बुक को लेकर के वहाँ से भाग जाते हैं। इसी दौरान एमिली बेथ और ली के साथ किचन में होती है और वहाँ पे बेथ फिर से वही सवाल करती है और वहाँ पे रखा वो शोकेस उठाती है और वो पूछती है कि तुमने ये शोकेस कहाँ से खरीदा। यहाँ पे एमिली को रियलाइज होता है कि वो लोग भी गलत घर में हैं क्योंकि मूवी की शुरुआत में बेथ ने एमिली से पूछा था कि ये शोकेस तुमने कहाँ से खरीदा और सेम चीज़ें फिर से बेथ ने उससे पूछी हैं जिससे उन्हें कंफर्म हो जाता है कि वो लोग भी गलत घर में हैं। यहाँ तक कि माइक केविन ली और वो सारे लोग भी गलत घर में आ गए हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले वो चारों भी उसी डार्क जोन से गुजरे थे। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें काफ़ी अजीब मोड़ ले लेती हैं और ये लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तभी अचानक इन्हें कुछ टूटने की आवाज़ आती है। वो लोग बाहर आकर के देखते हैं तो किसी ने ह्यूक की कार के ग्लास को तोड़ दिया था। कार की तलाशी के दौरान एमिली को एक रिंग मिलती है जो कि केविन ने एज अ गिफ्ट के तौर पर एमिली के लिए रखा था। एमिली उस रिंग को पहन लेती है और एमिली जैसे ही कार से बाहर आती है वहाँ पर केविन खड़ा होता है और वो एमिली से पूछता है कि ह्यूक की कार ठीक तो है ना, पर उसे बाकी कुछ और याद नहीं होता है जिसकी वजह से एमिली समझ जाती है कि ये दोनों भी अलग अलग रियलिटी से हैं, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। तभी अचानक आमिर और ह्यूक भी उस घर में वापस आ जाते हैं और वही सेम स्टोरी बताने लगते हैं कि कैसे वो बॉक्स उनके घर में आया और हमारे ही घर की तरह हमारा एक और घर है और जिसमें हमारे डुप्लीकेट्स भी हैं। यहाँ पे सभी को रियलाइज होता है कि जो लोग भी बाहर गए हैं और वो डार्क जोन से गुजरे हैं वो अनजाने में ही हर बार किसी अलग रियलिटी में पहुँच गए हैं। वो लोग यही प्रेडिक्ट करते हैं कि इस धूमकेतु के गुजरने के दौरान सभी अपने असली रियलिटी में ही हों, पर ऐसा नहीं होता है। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि वो अनजाने में ही गलत घर में आ जा रहे हैं, वो अपने असली घर को पहचानने के लिए वो लोग एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें वो सभी अपनी फ़ोटोज़ लगाते हैं और अपने फ़ोटोज़ पर नंबर डालते हैं। इन शॉर्ट अगर कोई गायब होता है तो वो इस फोटोज़ के जरिए उसका पता लगा सकते हैं। तभी फिर से दरवाजे पर कोई नॉक करता है। माइक दरवाज़ा खोल करके देखता है तो वहाँ पर एक चिट्ठी होती है। ये वही चिट्ठी होती है जो माइक ह्यूक के लिए लिख रहा था उसे ब्लैकमेल करने के लिए। उसी चिट्ठी में एक मैसेज था जिसमें लिखा था कि 12 साल पहले माइक और बेथ का आपस में रिलेशन था, जिसे देखने के बाद ह्यूक को गुस्सा आ जाता है और माइक और ह्यूक में लड़ाई हो जाती है। दरअसल किसी और रियलिटी के माइक ने इस घर के माइक को कंफ्यूज करने के लिए वो चिट्ठी लिखी थी ताकि इसे पढ़ने के बाद माइक और ह्यूक वो फिजिक्स बुक पाने से चूक जाएं। और अब माइक और ह्यूक की लड़ाई के दौरान ह्यूक माइक को बहुत मारता है जिसकी वजह से माइक वहीं बेहोश हो जाता है। अब वो सारे लोग एक दूसरे में ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो सभी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन असली रियलिटी का है कौन किसी और रियलिटी का। इसी बीच में एमिली कन्फ्यूज होकर के वहाँ से उस घर से निकल जाती है और वो उस डार्क जोन से गुजर करके एक किसी और रियलिटी में ही प्रवेश करती है, इस सोच में कि वो कोई ऐसी रियलिटी ढूंढे जिसमें केविन और एमिली दोनों काफ़ी खुश हों, उनके बीच कोई भी प्रॉब्लम ना चल रही हो। पर उसे हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम नज़र आती है। कहीं पे केविन को बांध के रखा गया होता है, कहीं लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। पर फाइनली उसे एक ऐसी रियलिटी मिलती है जिसमें केविन और एमिली काफ़ी खुश होते हैं और वो ये सोचती है कि वो इसी रियलिटी में रुक जाएगी और इस रियलिटी की एमिली को वो रिप्लेस कर देगी। इसीलिए एमिली उस घर के बैक डोर से एंटर करती है और वहाँ पे बेथ ने जो उसे ट्रैंकलाइजर गिफ्ट किया था वो उसे लेती है और उस घर में चली जाती है। तभी उसके दोस्तों को कुछ टूटने की आवाज़ आती है। वो लोग बाहर जाते हैं और ये वही
ह्यू की कार होती है जिसका ग्लास टूटा था। ग्लास टूटने के दौरान जो इस वर्जन की एमिली और उसके सारे दोस्त होते हैं वो बाहर आते हैं, और इस वर्जन में एमिली अपना कार चेक करने आती है और उसे वहां पर वो रिंग मिलती है जो कि केविन ने उसको गिफ्ट करने के लिए रखी थी। अभी वहां पर वो एमिली आ जाती है जिसे हम शुरू से देखते आ रहे हैं। वो उस दूसरी एमिली को फ्रैंकलाइजर का डोज दे करके बेहोश कर देती है और उसका जैकेट खुद पहन करके उसे डिग्गी में छुपा देती है और सबके सामने आ जाती है। इसी दौरान ली एमिली से कहती है कि तुम इतनी देर से कहाँ पे थी। एमिली अपने बचाव में झूठ बोलती है कि बाहर जो केतु पास हो रहा है मैं उसे ही देख रही थी, काफी खूबसूरत है, और ये देखने के लिए सभी दोस्त वहाँ से बाहर आते हैं। इसी दौरान जो इस रियलिटी की रियल एमिली है उसे होश आ जाता है और वो बाथरूम के जरिए घर में आने की कोशिश करती है, पर वो एमिली जो इस घर में उसकी जगह लेना चाहती है वो उसे देख जाती है और वो उसे बाथरूम में ही मार करके बेहोश कर देती है। उसे बेहोश करते दौरान उसकी रिंग वहीं पे गिर जाती है जो कि उसे केविन ने दी थी, पर हड़बड़ाहट में वो दूसरी एमिली के हाथों से उसका रिंग निकाल करके खुद पहन लेती है और अपना रिंग वहीं पे गिरा छोड़ करके वो बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो अपने दोस्तों से कुछ बात करना चाहती है पर अचानक वो बेहोश हो जाती है, और फिर अगले ही दिन वो सुबह अपने नींद से जागती है। जागने के बाद उसे शक होता है कि एमिली जो इस रियलिटी की रियल एमिली है कहीं उसने उसका पोल खोल तो नहीं दिया। जब वो अपने दोस्तों से मिलती है तो सभी नॉर्मल होते हैं पर उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। एमिली तुरंत ही बाथरूम की तरफ भागती है वो बॉडी चेक करने के लिए, पर उसे वहाँ पे कोई बॉडी नहीं मिलती है, और तभी बेथ बाथरूम के अंदर से बाहर आती है। इसके बाद एमिली घर से बाहर आती है ह्यूग की कार चेक करने के लिए। एमिली को ह्यूग की कार का ग्लास तो टूटा हुआ मिलता है पर उसमें जो फिजिक्स की बुक होती है वो वहीं पे सही सलामत रखी होती है। अभी वहाँ पे केविन आ जाता है और वो एमिली को वही रिंग गिफ्ट करता है जो कि उसे इस कार में मिली थी। केविन बताता है कि ये रिंग मुझे बाथरूम में गिरी हुई मिली। केविन एमिली की तरफ बहुत ही अजीब तरह से देखता है। तभी अचानक केविन के मोबाइल फोन पर एमिली के ही नंबर से कॉल आता है। ये देख करके केविन चौंक जाता है और वो एमिली से कहता है कि मुझे तुम्हारे ही नंबर से कॉल आ रहा है, और केविन के ऐसा कहते ही ये मूवी कन्फ्यूजन में ही यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे हमें ये पता नहीं चलता कि उस दूसरी एमिली का क्या हुआ। यहाँ पे हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो केवल बाथरूम में बेहोश हुई और जैसे ही उसे होश आया वो वहाँ से भाग गई। डायरेक्टर ने इस मूवी को ऑडियंस के ऊपर ही छोड़ दिया। यहाँ पे हमें ये तक क्लियर नहीं हुआ कि केविन के मोबाइल फोन पर एमिली के खुद के नंबर से कॉल कैसे आता है, पर जैसा कि हम जानते हैं कि हर रियलिटी में चीज़ें अलग अलग होती हैं, इस रियलिटी की एमिली का मोबाइल फ़ोन सही सलामत था। यही कारण है कि केविन के मोबाइल फ़ोन पर एमिली के खुद के नंबर से कॉल आता है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।